नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सरल पोर्टल हरियाणा पर किसी भी प्रकार का जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल संजय टेक अपडेट्स। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। सबसे पहले हम सरल पोर्टल हरियाणा पर अपने आप को लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक करेंगे। करते ही व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस इस पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ सर्च बार में कास्ट सर्टिफिकेट टाइप कीजिए, CAST। ये देखिए यहाँ पर आ जाता है कास्ट सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना CIDR नंबर टाइप कीजिए और यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम टाइप कीजिए। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कौन सी कास्ट का सर्टिफिकेट बनाना है, यहीं से सभी कास्ट के सर्टिफिकेट बनेंगे। यानी कि बैकवर्ड क्लास का बनाना है तो बैकवर्ड क्लास सेलेक्ट कीजिए, अदर बैकवर्ड क्लास सेंटर गवर्नमेंट का बनाना है तो वो सेलेक्ट कीजिए, अदर बैकवर्ड क्लास स्टेट गवर्नमेंट का बनाना है तो वो सेलेक्ट कीजिए, शेड्यूल कास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाना है तो वो, शेड्यूल कास्ट स्टेट गवर्नमेंट का बनाना है तो वो, यानी कि शेड्यूल कास्ट SC सर्टिफिकेट, ये OBC का हो गया और ये BC का हो गया, और ये हो गया स्पेशल बैकवर्ड क्लास, और ये हो गया टपरीवाज कास्ट, और ये हो गया विमुक्त कास्ट, यानी कि विमुक्त जाति, टपरीवाज जाति, स्पेशल बैकवर्ड क्लास, और ये हो गया SC सर्टिफिकेट, SC, और ये SC मतलब हरियाणा का, और ये SC सर्टिफिकेट हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये OBC, ये OBC सेंट्रल स्टेट का, और ये BC सर्टिफिकेट। जो भी आपने बनाना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अब मेरे को बनाना है यहाँ पर SC सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट का, ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, और सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करते ही ये देखिए हमारे सामने हमारी पूरी डिटेल आ गई, जो हमने CIDR बनाते हैं वो पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, परमानेंट एड्रेस वगैरह सब कुछ हमारे सामने आ जाता है। तो इसके बाद वही, अगर आप एक CSC के VLE हैं तो एक नीचे कॉलन आता है टोकन नंबर का, पहले उसको क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप CSC के VLE नहीं हैं तो उसको आपको कॉलन नहीं आएगा, तो CSC के VLE देख लेते हैं वो कॉलन को कैसे पूरा करेंगे। सबसे पहले नीचे जाएंगे और यहाँ पर ये अपना कैप्चा टाइप करेंगे, और ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे। ड्राफ्ट पर क्लिक करते ही ये देखिए यहाँ पर ये आ जाता है HRCC, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी और ओके करके नीचे जाएंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमारा कॉलन पूरा हो गया। अब वापस ऊपर जाएंगे और बाकी की डिटेल फिल करेंगे। यहाँ पर जिला सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट हमारा, यहाँ पर रूरल एरिया है या गांव का एरिया है, शहर का एरिया, रूरल एरिया। फिर यहाँ पर आ गया तहसील, तहसील सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका गांव, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सेलेक्ट कास्ट, अब हम अपनी कास्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसका हम सर्टिफिकेट बना रहे हैं कि SC कास्ट में हमारी कौन सी कास्ट है, उस कास्ट को यहाँ पर देख लेंगे कि हमारी कौन सी कास्ट है, उस कास्ट को यहाँ पर चेक कर लेंगे और उस पर टिक मार करके उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारी कास्ट सेलेक्ट हो गई है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट पे करेंगे। उसके बाद प्री वेरीफाइड, हमने अपने जो फॉर्म है उनको वेरीफाई किया है कि नहीं किया है, हमने वेरीफाई किया है, यस। उसके बाद किससे किया है, अब हम गांव से बिलोंग करते हैं तो हमारे पटवारी ने हमें वेरीफाई किया है कि हम इस जाति से बिलोंग करते हैं, तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये कॉलम
एप्लीकेशन ऑन रिसीव ये सीएससी वीएलई के लिए है कि उन्होंने ये एप्लीकेशन कब रिसीव की है, तो आज रिसीव हुई तो आज की डेट। अगर आप अपनी पर्सनल आईडी से बना रहे हैं तो ये ऑप्शन आएगा ही नहीं आपको पूरा एडिशनल डिटेल का। फिर यहाँ पर हम अपना कैप्चा भरेंगे, जो यहाँ नीचे कैप्चा लिखा हुआ है। कैप्चा लिखने के बाद हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास हमारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी जो हमने CADR बनाते हुए टाइप की थी, हमारा नाम, पिता का नाम, माँ का नाम वगैरह, और सर्टिफिकेट कौन सा टाइप का है, शेड्यूल कास्ट स्टेट गवर्नमेंट का है नाम हमारा। ऊपर की सारी डिटेल चेक करने के बाद वही एडिट का ऑप्शन आ गया है इसमें। एडिट अगर हमारी कुछ गलती रह गई है तो उसको एडिट करके हम ठीक कर सकते हैं, अगर सही है तो फिर अटैचमेंट पर क्लिक कीजिए। अटैचमेंट पर क्लिक कर लेते हैं। अटैचमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एड्रेस प्रूफ में क्या है। एड्रेस प्रूफ में वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास क्या है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। एड्रेस प्रूफ में हमारे पास राशन कार्ड है, राशन कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में हमारे पास क्या है, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस क्या है हमारे पास, हमारे पास है आधार कार्ड, तो आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। और नीचे है प्री वेरिफिकेशन, जो हमने वेरीफाई किया हुआ है, जैसे कि सरपंच से वेरीफाई होता है पहले, इस जाति से संबंध रखते हैं, और फिर पटवारी उसको वेरीफाई करता है, गांव में पटवारी वेरीफाई करता है, और शहर में हमारा नगर पालिका का सचिव वेरीफाई करता है कि किस जाति से संबंध रखते हैं, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहां पर राशन कार्ड हमने सिलेक्ट किया है एड्रेस प्रूफ में, तो चूज फाइल, जहाँ हमारा राशन कार्ड की फाइल है वो यहाँ से अपलोड कर देंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी वाली आधार कार्ड की फाइल है वो यहाँ पर चूज फाइल करके अपलोड कर देंगे, और यहाँ पर प्री वेरिफिकेशन की जो हमने फाइल तैयार की है वो यहाँ पर चूज करके स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ये हमने अपनी फाइल यहाँ पर सारी की सारी अपलोड कर दी हैं। अब हम सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद वही हमारे पास सारी डिटेल हमारे सामने आ जाएंगी। फिर अगर आप CSE के VLE हैं तो मेक पेमेंट पे पेमेंट करके इसको सबमिट कर पेमेंट कर दीजिए। और अगर आप CSE के VLE नहीं है, अपनी पर्सनल आईडी से बना रहे हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ सबमिट का ऑप्शन आएगा, और उसको सबमिट कर दीजिए और आपका जाति प्रमाण पत्र अप्लाई हो जाएगा और फिर आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं पेमेंट कर देता हूँ इसकी। पेमेंट करने के बाद ये देखिए हमारे पास हमें एक रिसिप्ट मिल गई है कि हमारा जाति प्रमाण पत्र अप्लाई हो गया है। इसको एक्सपोर्ट टू PDF में सेव कर लेते हैं। अगर हमको ई दिशा की ट्रांजैक्शन जाननी है तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद वहाँ पर गूगल में ई दिशा टाइप करेंगे। ई दिशा टाइप करने के बाद यहाँ स्टेटस पर क्लिक करेंगे, और जो हमने वहाँ पर सरल आईडी को कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट करके सर्च कर देंगे, और ये देखिए हमारी एप्लीकेशन आईडी आ गई है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम किसी भी प्रकार का जाति प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। बस आपने सिलेक्ट करना है कि आपने कौन सा जाति प्रमाण पत्र बनाना है, उसको सिलेक्ट कर लीजिए, और जो जो हमने वेरीफाई की हुई रिपोर्ट है उसको अपलोड कर देंगे, क्योंकि हर जाति की अलग अलग जाती हैं, तो अलग अलग फॉर्म लगते हैं उनके लिए, और वो उसको अपलोड कर दे। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।